उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 8 की झुग्गी में 200 लोग कोरोना संदिग्ध हैं। मामले की जानकारी पाते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि नोएडा के जिलाधिकारी सुहास लाल किनेरे यतिराज ने कहा है कि नोएडा के सेक्टर 8 में कोरोना का कोई केस नहीं है, लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया जाएगा। दरअसल एक व्यक्ति झारखंड से आया है, इसके बाद वो यहां लोगों से मिला। पुलिस और स्वास्थ्य टीम को शक है कि करीब 200 लोग पूरे मामले में कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी एहतियात बरतते हुए करीब 200 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए क्वारंटीन सेंटर ले जा रही है, जहां उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शहर के 4 निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार को इन अस्पतालों को हैंडओवर करने की कार्यवाही की। उन्होंने 4 हॉस्पिटलों को अधिग्रहण कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई के द्वारा सुरभि हॉस्पिटल सेक्टर 35 नोएडा, भारद्वाज हॉस्पिटल सेक्टर 29 नोएडा, लाइफ केयर हॉस्पिटल सेक्टर 61 नोएडा और इंडो गल्फ हॉस्पिटल सेक्टर 19 नोएडा को हैंडओवर करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले नोएडा में ही हैं। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 59 है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी माना था कि बीते 4 से 5 दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी है।